डिटेल्स। शहर हैदराबाद में बसिया इंतखाबात में सारे सियासतदान जमातों में गर्मा गर्मी चल रही है। मौसम में इतनी सर्दी है मगर उतनी ही गर्मी सारे पॉलिटिकल पार्टी में चल रही है। हल्का जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीजन में एक अजीबोगरीब इंतखाबात हो रहा है। एक तरफ टीआरएस, दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस, तीनों मिलकर एक ही जगह पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो अब देखना यह चाहिए क्या कार की रफ्तार को रोक सकते हैं, या फूल खिलते हुए रोक सकते हैं, या हाथ को मजबूत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका तो फैसला आवाम करेगी। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शेख शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। शरीफ साहब बताइए, सबसे पहले आपकी कैंपेनिंग कैसी? हमारी कैंपेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह घर घर डोर डोर चल रही है। जहाँ भी जा रहे आवाम बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल कर रही है, और यहाँ पर बहुत सारी आवाम दिखावे में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर साबिका लीडर का बहुत ज्यादा जुल्म है। इस जुल्म की वजह से कोई अगर हमारे साथ दिख गया तो पीछे से हो रहा आ रहा, उससे डराया जा रहा है, डरा के उनको काम करने से रोका जा रहा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बोराबंडे की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। हम जो भी घर जा रहे हैं तो दिल से वो लोग हमारा इस्तेमाल करें, हमारी पूरी उम्मीद है। ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से इंशाल्लाह हमारी बोराबंडे की आवाम हमें कामयाब करें। टीआरएस पार्टी का इल्जाम है जब गुलिस्ता दिनों में वबा कोरोना वबा से लोग परेशान थे, लॉकडाउन के दरमियान ना कांग्रेस आई ना बीजेपी आई लोगों की पूछने के लिए सरकारियत, और आज इंतखाबात होते ही बीजेपी भी आ गए और कांग्रेस भी आ गई, क्या आवाम आपको वोट देगी इससे? ये उनकी गलतफहमी है और ये अपना बड़ापन दिखाना चाह रहे, पब्लिक सब जानती। हम लोग प्रूफ भी है, हम लोग लॉकडाउन में बहुत सारा राशन बांटे हैं, बोराबंडा है नहीं बल्कि दीगर हल्कों में भी हम बांटे, इसका प्रूफ हमारे पास है। अगर उन्हें चाहिए तो आ जाओ, बोलो हमारे साथ मुनाजिरा करो, बोलो डिबेट करो, बोलो हम तैयार है दूध का दूध पानी का पानी दिखाने के लिए। क्या आप बोराबंडा डिवीजन में कहां पर राशन की तकसीम की है लॉकडाउन के दौरान, आप कह सकते हैं? बोराबंडा का छोटा है 36 बस्ती है, जहाँ जहाँ हो सकता हमारे से मुनासिब, जहाँ जहाँ लगा हमसे, जहाँ जहाँ पहुँच कर देना हो सका हम बिल्कुल दिए। बोराबंडा डिवीजन जो है कांग्रेस का एक गढ़ है, जिसे कहा जा सकता है हल्का जुबली है, जो कांग्रेस की बैकबोन कहा जाती है, मगर आज यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता कम हो गए हैं, क्योंकि आज देख सकते हैं सब लोग कोई फूल या तो फिर कोई कार चढ़ गए हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कम होने की वजह से कांग्रेस एकदम कमजोर हो गई है, ये दूसरे सियासतदान जमात पार्टी का इल्जाम है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है? यहाँ के है बोलिए, चेंज हुए बोलिए, प्रूफ क्या है? आप आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं देखे ना उनका? भाई बाहर से लोग आके हैं यहाँ पर, तकरीबन 300-400 लोग बाहर से आए हुए हैं। आप हर होटलों में हर घरों में छापे मारो, बोलो डिपार्टमेंट को कितने सारे निकलते लोग देख लो, बाहर से बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और इनके आईडी प्रूफ चेक करिए, कोई इनमें से ज्यादातर लोग 80% लोग बाहर के मिले। सर मेरा सवाल, इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, आज वो भी कोचागौड़ साहब भी टीआरएस में ज्वाइन हो गए, जो साबिका कांग्रेस के कारपोरेटर थे लक्ष्मण गौड़ और ऐसे कई कांग्रेस के लीडर है जो कार में चले गए, तो क्या आवाम आपका साथ देगी? ये लीडर कम होने की वजह से क्या आवाम आपसे दूर होगी, आपके ताईस में वोट डालेगी कांग्रेस? कांग्रेस आवाम के दिल से कभी हटी नहीं, हटेंगी भी नहीं, कांग्रेस दिल में बसी हुई है। तो नहीं, आप क्या कहना चाह रहे इस बारे में? खुलकर नहीं बोल रहे कि इतने लोग चलने जाने के बाद भी क्या कांग्रेस को वोटर्स आपको वोट डालकर जिताएंगे यहाँ पर? भाई जब वक्त आएंगे तो आवाम बता देंगे कितनी मोहब्बत है कांग्रेस से। आपका मुकाबला कौन सी पार्टी से होगा? हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है, हमारा मुकाबला सिर्फ जुल्म और ज्यादती जो बोराबंडे में चल रही और जो दिखावे के काम चल रहे, हकीकत बुनियादी कामों में कुछ भी नहीं है, उससे हमारा मुकाबला है। टीआरएस ने कहा है गुलिस्ता कई सालों से यहाँ पर 6 साल से हुकूमत में है, जबकि यहाँ पे मुकामी जो कारपोरेटर है डिप्टी मेयर भी है और मुकामी यहाँ पर टीआरएस एमएलए भी है और हुकूमत भी है उनकी, 6 साल के बारे में आवाम के कोई मसाइल ही नहीं थे, इसकी वजह से ना बीजेपी कभी कामों के खिलाफ एहतजाज करी, ना कांग्रेस भी ना कोई कामों के खिलाफ एहतजाज करी, ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए, आवाम से वोट लेने के लिए इंतखाबात के बाद जैसे मौसम बदलता वैसी पार्टियां आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, टीआरएस का इल्जाम है। एहतजाज करना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है। हमारा फेसबुक चेक करके देखो, खोल के हम कितने सारे कांग्रेस के जरिए काम कराए, जबकि हम इख्तदार पे नहीं थे, इसके बावजूद भी हम काम कराए। हम काम करने की वजह से
हमारे घर पे, हमारे लेडीज पे, हमारे बच्चों पे 307 सेक्शन लगाकर हमें अंदर करने की कोशिश की गई। साबिका लीडर ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बोराबंडे की आवाम इतनी दुआ करी, वो 307 की जगह 324 होकर, और हम जो कामा कर रहे थे उसकी बुनियाद पे हम कोर्ट में रुजू हुए। अदालत से हम हमारे सारी चीजें दिखाए, वो गवाहों के मद्देनजर रखते हुए हमें सेक्शन से हटाकर 324 डाल के 24 घंटे में हमें बेल दी गई। तो आप कैसे कह सकते कि हम काम नहीं करें, एहतजाज क्यों नहीं करें? हम एहतजाज नहीं करें, काम करें। आखिरी सवाल है आपसे, अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जब इंतखाबात आ गए हैं, यहाँ पर चंद बातें सुनने में आ रहे हैं आवाम के दरमियान, बीजेपी के ऊपर वैसे टीआरएस इल्जाम लगाते जा रही है कि बीजेपी खतरनाक काम करती है बीजेपी, और रही बात कांग्रेस खुलकर कैंपेनिंग नहीं कर रही है, तो ये सीधा सीधा बीजेपी को सपोर्ट करें ऐसा लग रहा है, तो ये क्या बिल्कुल सही है या बेबुनियाद है? बीजेपी के साथ हमारा कोई साठगांठ नहीं है, अलबत्ता ये लोग का साठगांठ है। ये लोग महबूब नगर में पिछले 6 साल पहले इब्राहिम साहब बोल के थे, उनको टीआरएस से टिकट दिलाए, हरा दिए। इसके बावजूद यही केसीआर साहब और जो बीजेपी लीडर थे तेलंगाना के स्टेज पे जाके ये बोले हम लोग एक है, हम एक साथ है बोल के बोले, तो इनके खिलाफ इनके आदमी हारने के बाद ये खुशियां मनाए। तो बीजेपी का दूसरा हिस्सा टीआरएस है, एक सिक्के के दो रुख है टीआरएस और बीजेपी। एक मेरा सवाल है, साबिका डिप्टी मेयर और साबिका कारपोरेटर का इल्जाम है, गुलिस्तान इन स्वराज नगर की पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा है बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में दुश्मन है मगर गली में दोस्त। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वाकई आप लोग दिल्ली में दुश्मन गली में दोस्त है? साबित करो बोलो, हम तो भी साबित कर देते हैं बीजेपी के दोस्त है बोल के। आप कैसा कह सकते हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं साबित कर सकता हूँ, इंशाल्लाह वक्त आने पर सारी चीजें बता दूंगा। अभी इंतखाबी मुहिम चल रही, इस दौरान ये सारी चीजें मुनासिब नहीं लगती। एक छोटा सा मिसाल देता हूँ मैं, सेक्रेटरी की जो मस्जिदें हैं, मंदिर है, ये किसके पूछने पर तोड़े, और तोड़ के संगे बुनियाद मंदिर का और मस्जिद का बहुत जल्द 2 अक्टूबर को डालते बोले। आज तक ना मंदिर की संगी बुनियाद है ना मस्जिद की संगी बुनियाद है। ये थे सियासती जो इल्जाम की बातें हैं। अब हम बात करते हैं आवाम बोराबंडे डिवीजन की, आपको क्यों दो, आपको वोट देंगे तो आप जीतेंगे, तो बोराबंडे डिवीजन में क्या डेवलपमेंट लाएंगे? सबसे पहले तो मैं जुल्म का यहाँ से खात्मा करूंगा इंशाल्लाह, वोटों के जरिए नाम अल्पास जो है आवाम का मसाहिल नहीं था। आवाम के मसाहिल के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि सियासती बात खत्म हो गई, आवाम के मसाहिल मतलब आप आवाम को जब वोट देंगे आवाम, तो आप उनके लिए क्या करेंगे, हम उस बारे में बात करें। आवाम की जो भी बुनियादी सहूलतें हैं, जैसे कि पीने के पानी में गंदगी है, जैसे कि जो है ड्रेनेज लाइन सही नहीं है, सड़कें देखिए जो हम डाले थे आज भी शायद वही है समझता हूँ मैं, और कचरा जहाँ बोले वहाँ भरा है। मेरे पास करीबन 100 कंप्लेंट्स प्रिंसिपल को दे चुका हूँ मैं, जब इख्तदार में नहीं था तो आवाम की खिदमत किया हूँ मैं। अगर ये लोग मुझे इख्तदार देंगे तो हमारे जनाब की पिछले मंत्री के साथ मिलकर हमारे बोराबंडे के जितने भी कांग्रेस कारकुन हैं उनके साथ लेके आवाम की सारी बुनियादी मसाइल इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जल्द हल करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खिदमत करूँगा। आवाम के लिए पैगाम दीजिए, आप क्या कहना चाहिए, पैगाम आपकी पार्टी और आपकी। मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से मैं पैगाम आवाम को ये देना चाहूँगा, आप जो सच है वो देखिए, और देखकर अपना दिल दिमाग लगाकर सोचिए शादी का वक्त, ये कारपेंटर आपके साथ क्या क्या जुल्म किया, आपकी रोजगारी पे कितना लात मारे, और आपकी जो दुष्टी रगे हैं वो पकड़कर जो आप लोगों के कैसा बुक करे, ये सारी चीज आप देखते हुए आप कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट जियो और जीने दो, हम सबकी सरकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सेक्युलर गवर्नमेंट है, इसलिए मैं सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने की अपील करता हूँ हमारे बोराबंडे की आवाम से, और कांग्रेस को वोट देने के लिए गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शेख शरीफ साहब, और हम अब बात करेंगे दूसरे पार्टियों के उम्मीदवारों से भी। अब जब देख सकते हैं बोराबंडा डिवीजन में एक अजीब और गरीब इंतखाबात हो रहा है, मगर एक ही जगह पर जिस तरह से फ्रेंडली पुलिस है उसी तरह से फ्रेंडली यहाँ पर कैंपेनिंग हो रही है। अभी हम देखे थोड़ी देर पहले यहाँ पर विकर सेक्शन के चौरस्ते पर एक तरफ बीजेपी की रैली, दूसरी तरफ कांग्रेस और टीआरएस, बहरहाल तीनों ने अमन और शांति से यहाँ पर पब्लिक के बीच में कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी अपनी। और हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, बात पर हम आप बात करती है यहाँ से, हम आपको उसके लेके देंगे पार्टी के और से बात, और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और आप देखते रहिए TV11 की खुसूसी रिपोर्ट। ఇది ఈరోజు వార్తలు।
మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నలమూల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. www.tv11live.com లో మా ఛానల్ ని లైవ్ లో చూడొచ్చు. అలాగే మీరు రికార్డింగ్ న్యూస్ తో పాటు క్రైమ్ పొలిటికల్ న్యూస్ ని యూట్యూబ్ లో టీవీ 11 న్యూస్ లో ఎంటర్ అయ్యి మా రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు. దిస్ ఇస్ హబీబ్ సైనింగ్ అవుట్.